सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो कैसे लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर मैसेज आता है, जहाँ पर आप डाटा ऑन करते हो, वाईफाई ऑन करते हो, वहाँ पर आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हो, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो कुछ इस प्रकार से रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर फोटो लगा के जो अभी कुछ इस प्रकार से कर दिया हूँ। तो गाइस, आप अपना फोटो को यहाँ पर लगाने के लिए आपको क्या करना है, एकदम वीडियो को एकदम शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और नोटिफिकेशन बार में आप अपना फोटो लगा अपने मोबाइल की जो क्वालिटी वो काफ़ी हाई कर सकते हो। जैसे कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो कुछ इस प्रकार से रहता है जहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये जो है एक लाइफ स्टाइल की तरह हो जाता है कि आपका फ़ोन जो है कि स्टाइल की तरह बन जाता है। तो इस प्रकार से करने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने डाटा को ऑन कर लेता हूँ। डाटा को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है टेक्निकल, आपको यहाँ पर सर्च करना है टेक्निकल यादगार ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये लिंक जो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ नहीं तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसको आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ एक नया पेज खुल के आएगा, जैसे कि इस प्रकार से स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है नोटिफिकेशन बार। एंड जैसे यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन फोटो कैसे लगाए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसके कि स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, नहीं तो आपको क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पर आना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ना टेलीग्राम है आपके पास तो टेलीग्राम में क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल से आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वनसेट प्रो भी 18 इतना वर्जन। तो इसके ऊपर आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो है आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। एंड ये जब तक डाउनलोड होता है तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसको डाउनलोड होने के बाद इसको आपको क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे इसको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर जो तीन स्टेप को यहाँ पर ऑन करना है, सबसे पहले तो यहाँ डुअल सिम को ऑन कर देना है। एंड ऑन करने के बाद इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद जो एसिबिलिटी इसको भी ऑन कर देना है। एंड डायरेक्ट यहाँ पर आपको वन साइड में भेज देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर देना है एंड ओके कर देना है। एंड उसके बाद आपको बैक चले आना है एंड फिर से आपको इस एप्लीकेशन में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर वन सेट को क्लिक करना है एंड इसका जो परमिशन को अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से फिर से बैक चले आना है। एंड बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर जो कॉलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो कस्टम बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर गैलरी है उसको आपको चॉइस कर लेना है। एंड चॉइस करने के बाद आपका जो इमेज यहाँ पर शो करने लगेगा, तो आपको क्या करना है अपने इमेज को यहाँ पर ले लेना है एंड यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद जो इसको अच्छा तरह से इसको क्रॉप कर लेना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में मेरा जो फोटो है वो लग चुका है। एंड फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो अपने फोटो को जो मतलब नोटिफिकेशन बार में अपना फोटो को लगा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इससे भी कई अच्छा अच्छा वीडियो जो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है वहाँ से आप जाके देख सकते हो। एक बार जरूर आप मेरे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।